नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज लेके आया हूँ लुधियाना और जलंधर के लिए। तो काफ़ी मेरे दोस्त काफ़ी टाइम से इन वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखना है। समटाइम्स कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं, हमें लगता है बस एक दो तीन वैकेंसी हैं, अब नहीं होंगी इसके बाद। ऐसा नहीं है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर उसमें एक एक करके मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए आज वैकेंसीज लेके आया हूँ। इसलिए अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए जिनको भी ज़रूरत है उनको उनकी भी हेल्प कीजिए। देखो, सच्चे दिल से अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना तो ऊपर वाला अपने आप आपकी हेल्प कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे छोड़ो यार उसका क्या मेरा होना चाहिए काम, तो फिर अपना भी नहीं हो पाता। तो इसलिए हमेशा दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो ऊपर वाला आपका ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा, ये मेरा तजुर्बा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज की जो वैकेंसीज हैं एक एक करके सारी समझना। जलंधर के लिए भी हैं और लुधियाना के लिए, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी। गवर्नमेंट में कोई टेस्ट नहीं आपको भरना है, आपको इंटरव्यू देना है डायरेक्टली। हाँ, थोड़ी बहुत 100 200 300 रुपये जो फीस मांगी होती है फॉर्म की, वो भरनी पड़ सकती है। वैसे भी हम लोग कंसल्टेंटों के चक्कर में जाते रहते हैं, वहाँ पैसे दे देते हैं 500 1000 जो भी है जितना भी। तो क्यों ना, अगर गवर्नमेंट की कोई इस तरीके से कोई फॉर्म भरने से हमें उम्मीद जगती है तो वहाँ पे आपको हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट में जॉब में अगर एक बार पैर फंस गया आपका, आपको जॉब लग गई कॉन्ट्रैक्ट पे ही, तो क्या पता आप रेगुलर हो जाओ, है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। तो जो भी आज वैकेंसीज में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एक एक वैकेंसी को अच्छी तरह से समझना। और आप लोगों से मैं एक बात और कर शेयर करना चाहता हूँ, मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा, किसी तरह की कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को फ़ोन करता हूँ कि मुझे पैसे दो या कुछ भी। इसलिए आपको किसी से भी इस तरह की कोई कॉल आ जाती है कि हमें पैसे दीजिए आपको जॉब लगवाएंगे, वो मैं नहीं हूँ और वो मतलब पैसे आपने भी नहीं देने हैं, ठीक है। क्योंकि पैसे दे करके कोई किसी को जॉब नहीं लगवा सकता। जॉब मिलती है आपकी काबिलियत के आधार पर। कोई भी आपको अगर रखेगा, मेरे कहने पर शायद ही रखे, लेकिन एक हाँ एक सिफारिश एक रिकमेंडेशन एक थोड़ी वो हो जाती है कि ये अच्छा कैंडिडेट है आप इसको देखिए, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपकी काबिलियत ज़्यादा मायने रखती है उनके लिए जिन्होंने आपको जॉब देनी है। तो इसलिए पैसे दे करके आपको जॉब ऐसे नहीं मिलने वाली है, इसलिए अपने पैसे वेस्ट भी ना करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आज की जानकारी, बहुत बातें हो गई। तो सबसे पहली वैकेंसी मैं लेके आया हूँ जालंधर के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, KVK जालंधर रिक्रूटमेंट 2021, सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ। और इसमें अब आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसी क्या है, वो मैं आपको एक एक जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे 25 दिसंबर 2020 को ये अभी नोटिफिकेशन ये नोटिस आया है KVK जलंधर की तरफ से। उनको चाहिए फार्मर चेंज एजेंट इन जलंधर फॉर 10th एंड ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब 10वीं पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, KVK जलंधर में फार्मर चेंज एजेंट की जरूरत है, एक पोस्ट है, सैलरी रहेगी महीने की 12,000 रुपया। ये लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 4 जनवरी 2021 है। अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे मैंने आपको बताया 12,000 मिलेगा, प्लस आपको EPF भी मिलेगा, ESI भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट की एक जॉब होगी, एक स्कीम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। ये एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा @KV की नूर महल जलंधर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। तो अब बात करते हैं, जैसे पोस्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैट्रिक होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कैंडिडेट मैट्रिक होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है फार्मिंग का होना चाहिए। किसान मतलब एक किसानी तौर पर होना चाहिए, किसान के घर से होना चाहिए। और कैंडिडेट के पास 5 दिन की ट्रेनिंग उसको मिलेगी। द डिजायरेबल द कैंडिडेट हैविंग 5 डेज ट्रेनिंग फ्रॉम KVK विल बी प्रेफर्ड। कुछ ट्रेनिंग्स होती रहती हैं तो किसी ने ट्रेनिंग की होगी तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी जो ट्रेनिंग नहीं भी आपने की हुई तब भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब आगे एज की बात करते हैं,
एज रहेगी 18 साल कम से कम और 37 37 साल ज़्यादा से ज़्यादा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, आपको 200 रुपये के एक ड्राफ्ट बनाना है, बैंक ड्राफ्ट 200 रुपये का, इन फेवर ऑफ कंट्रोलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पेबल एट लुधियाना टू अंडरसाइन एसोसिएट डायरेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल नियर डिप्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट जालंधर। तो इस ये आपने ड्राफ्ट बनाना है। और अब अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होगी, आपका एक छोटा सा रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे ये, और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। बोलने का मतलब एग्ज़ाम तो एक डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ नहीं होता है, मेन होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका देखेंगे, सर्टिफिकेट चेक करेंगे और थोड़ा सा आपके आपसे फार्मिंग के बारे में पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट जो है वो है 4 जनवरी 2021, एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 6/1, मतलब 6 जनवरी को आपके 2021 को आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। और कहाँ की जाएगी, KVK नूर महल जलंधर में। जो लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, मतलब लास्ट डेट जो एप्लीकेशन देने की है, वो तो है 4 जनवरी 2021, और 6 जनवरी 2021 को आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। द एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट फीस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसर्न। अगर आप लास्ट डेट के बाद जाएंगे, 4 तारीख के बाद जाएंगे, तो या फीस नहीं दी होगी आपकी आपने, तो आपको आपका इंटरव्यू नहीं होगा। द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 6 जनवरी 6 जनवरी 2021। 6 जनवरी को आपके डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने चेक करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं हैं, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो फ्रेंड्स, ये इनका एड्रेस है जो मैंने अभी आपको बताया है, नूर महल जलंधर में, ठीक है। तो ये वॉक इन आपका इंटरव्यू होगा। फिर से मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, KVK नूर महल जलंधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे ही आपने इनके नाम पर ही आपने ड्राफ्ट इनको देना है 4 तारीख तक। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की, वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2021, मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। अगली वैकेंसी में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 24 दिसंबर 2020 को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है, जिसमें जूनियर टाइपिंग असिस्टेंट की जॉब की ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो इसको इसके लिए कौन कौन अब अप्लाई कर सकता है, तो जो वैकेंसी है वो तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, और जूनियर टाइपिंग असिस्टेंट की ज़रूरत है इनको। एक ही पोस्ट है, सैलरी लगभग 10,000 पे रहेगी, 9,557। लोकेशन आपकी लुधियाना रहेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 जनवरी 2021। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में से पहले हम ये बात कर लेते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, मतलब आपने सिर्फ फीस जो इन्होंने मांगी हुई है 100 रुपये की फीस है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपीज़ का, पेबल एट लुधियाना इन फेवर ऑफ कंट्रोलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना ऑन एनी वर्किंग डे 9 से 5 बजे तक। आपने अटेस्टेड कॉपीज लानी है अपनी सर्टिफिकेट्स की फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टाइपिंग असिस्टेंट, पर मंथ 9,557 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ। और आपने ये जमा करवा देनी है कहाँ पे, एंटाइटल सेल्फ फाइनेंसिंग फाइनेंशियल प्रोग्राम इन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी SFS 1 पार्ट ए PC 3036.1 फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने के लिए भी आपको ही रखेंगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन मतलब आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और आपने जो 10th है आपकी पंजाबी के साथ पास होनी चाहिए। आपको टाइपिंग की, इंग्लिश और पंजाबी में टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, और प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे जिनको स्टेनोग्राफी आती है इंग्लिश और पंजाबी में। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब आगे एज की बात करें और फीस की बात करें, तो 100 रुपीज़ का आपने ड्राफ्ट बनाना है इन दी फेवर ऑफ कंट्रोलर ऑफ PAU लुधियाना। अच्छा, इसके बाद एड्रेस जो है, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। सिलेक्शन जो है आपका एक रिटन टेस्ट कम इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग इन्होंने चेक करनी है। अगर आपको टाइपिंग आती है फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आराम से।
जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की वो 1 जनवरी 2021 है, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को ये कंसीडर नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स को अपीयर होना है, मतलब सिलेक्शन कमेटी के सामने वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका 6 तारीख को, 6 जनवरी को 11 बजे, जो ऑफिस मैंने आपको बताया है। किसी भी तरह का आपको लेटर नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगी, इसलिए ध्यान रखना 6 जनवरी को आपने फिर इंटरव्यू देने जाना है। अच्छा, इसके बाद जूनियर टाइपिंग असिस्टेंट रिजाइनिंग द एंगेजमेंट शैल हैव टू गिव 1 month नोटिस। कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको 1 महीने का नोटिस देना है। तो ये थी दूसरी वैकेंसी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टेनोग्राफर के लिए, और अब अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगली वैकेंसी भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में ही है, और सैलरी रहेगी लगभग 10,500, मतलब 11,000 के करीब। अब ये जो वैकेंसी है ये 17 दिसंबर 2020 को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट इसकी की गई थी। अब बात करते हैं कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो ज़रूरत है वो कार या जीप ऑपरेटर, मतलब ड्राइवर की ज़रूरत है। एक ही पोस्ट है, सैलरी रहेगी 10,454, और जॉब की लोकेशन रहेगी कपूरथला। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉइंटमेंट की जाएगी ये, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 दिसंबर 2020। तो एज क्वालिफिकेशन की अब बात कर लेते हैं। तो कार जीप ऑपरेटर के लिए जो सैलरी मैंने आपको बता दी है, मैट्रिक पास होने चाहिए और 5 साल का कार या जीप ड्राइविंग या मेंटेनेंस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और पंजाबी आनी चाहिए आपको मैट्रिक लेवल तक। अच्छा, इसके बाद नोट रखें कि 25% और 12% पोस्ट जो हैं, 25% एंड 12.4% आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली निकाली हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर सिंपल रिटन एग्ज़ाम, मतलब इंटरव्यू ही होगा, जिसमें आपको चेक किया जाएगा कि आप गाड़ी अच्छे तरीके से चला सकते हो कि नहीं। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफिकेशन को पूरी करते हैं उन्होंने क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट बनाना है इन नेम ऑफ द लुधियाना, पेवेल एट लुधियाना, जो आपको मैंने एड्रेस अभी बताना है उस पे ही आपने उनके नाम पर बनाना है। और इनकी जो लास्ट डेट है, जैसे मैंने आपको भी बताया है, 28/12/2020 है। द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड द नेम ऑफ द पोस्ट, एप्लीकेशन पर कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिखना है, डेट एंड रेफरेंस ऑफ मोबाइल नंबर लिखना है, एंड अपना नाम, मोबाइल नंबर एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑन द बैक ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के पीछे ये चीज़ें आप लोगों ने जरूर लिखनी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड इनकम्प्लीटली एंड आफ्टर द डिटेल्ड डेडलाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ही वॉज इंटरव्यूड बिफोर द सिलेक्शन कमेटी ऑन 15/1, मतलब 15/1/2021 को इंटरव्यू होगा कैंडिडेट का बाय डायरेक्टर रिसर्च पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके लिए कोई भी आपको TADA नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, तो अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। फ्रेंड्स, अगली वैकेंसी भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही निकली है, और इनकी जो नोटिफिकेशन है वो आ गई थी 18 दिसंबर 2012 को, और इनके पास जो नई वैकेंसी निकली है जूनियर रिसर्च फेलो की है, और उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं जैसे BSc, MSc वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी यहाँ अवेलेबल है, और 31,000 रुपया पर मंथ इनकी सैलरी रहेगी जूनियर रिसर्च फेलो की, और इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 1 जनवरी 2021। अब डिटेल में बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द फीस ऑफ 200 इन द शेप ऑफ बैंक ड्राफ्ट पेबल एट लुधियाना इन द फेवर ऑफ कंप्यूटर, मतलब 200 रुपये का आपने ड्राफ्ट बनाना है इन द फेवर ऑफ कंट्रोलर पंजाब PAU लुधियाना ऑन एनी वर्किंग डे, आपने जमा करवा देना है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स के साथ फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर सर्च फेलो। 31,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपको 16% HRA भी मिलेगा, लगभग मतलब 35,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। और आप यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है ये है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये अपने जमा करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स,
अच्छा, इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है बीएससी होनी चाहिए विद मिनिमम सीजीपीए 6 out of 10, मतलब 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। एमएससी होनी चाहिए बायोटेक में जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक लाइफ साइंसेज विद एटलीस्ट 6.5, मतलब 65% आपके मार्क्स हों। तीसरा फेलो एट द रेट ऑफ 31,000 पर मंथ प्लस 16% एचआरई, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म 200 रुपीज़, ये तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। अब एड्रेस की बात करते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिरोजपुर रोड लुधियाना में ये वैकेंसी निकली है। और आपका जो सिलेक्शन, मतलब ये वॉक इन इंटरव्यू रहेगा आपका डायरेक्टली। हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट जो है इसकी 1 जनवरी 2021 है अप्लाई करने की, और 6 तारीख को आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैकेंसी थी आज की। अब इसके बाद अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जो अगली वैकेंसीज हैं बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही स्पेशल हैं आप लोगों के लिए। गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं, जिसके बारे में अब हम एक एक करके पूरी की पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। इसमें जो जॉब का नोटिस आया हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वॉक इन इंटरव्यू, मतलब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए डीन कॉलेज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी लुधियाना में। तो यूनिवर्सिटी में आपको जॉब करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये देखिए, ये 23 दिसंबर 2012 को नोटिफिकेशन निकली है। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द सेमिनार रूम, आपने सेमिनार रूम में जाना है, ऑफ द कॉलेज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी GADVASU ये लुधियाना। और मतलब यहाँ पे जाना है आपने, और यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट वुड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं और फोटो कॉपीज भी साथ में ले जानी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी डिप्यूटेड इन दी वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ऑफ गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। तो जो भी सिलेक्ट होंगे फिर उनको यहाँ पे रखा जाएगा। तो पहली पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट की, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एक ही पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन दी रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस। सैलरी लमसम मिलेगी 30,000 रुपया, और इंटरव्यू की डेट रहेगी, डेट ऑफ इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है 28 दिसंबर 2020 को है, और 10 बजे सुबह आपने यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, 10 से 1 बजे तक ये इंटरव्यू आपका होने वाला है। अगली जो वैकेंसीज हैं वो है लैब टेक्नीशियन की, 2 वैकेंसीज हैं। 12th पास अगर आप हो इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है DMLT या फिर PMW का, या रेडियोलॉजी का, या रेडियोग्राफी का, या रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का, या फिर 12वीं पास हो साइंस में सब्जेक्ट्स के साथ विद 1 ईयर DMLT एंड 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन, मतलब DMLT का अगर 1 साल का आपके पास डिप्लोमा है और 1 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। इंटरव्यू होगा 2 से 5 बजे तक 28 दिसंबर 2020 को। अब इसके बाद अगर आपके पास BSc की डिग्री है तो आपको 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ ट्रीट किया जाएगा। तो अगर BSc की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। फिर तीसरी जो जॉब है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इनको चाहिए, और सैलरी रहेगी 10,777 रुपये। 12th पास इन साइंस विद मैथमेटिक्स एज अ, तो जैसे 12th पास हैं आप साइंस स्ट्रीम में विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज, मतलब नॉन मेडिकल अगर आपका है, या 12th पास साइंस के स्ट्रीम में नॉन मेडिकल में ही आपको मैथमेटिक्स होगा, तो और डोएक लेवल ए लेवल का आपके पास अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 2 ईयर का, या इन EDP वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके पास कंप्यूटर का डोएक लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है IT में या कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो अब तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 10,777 रुपये, और 29 दिसंबर 2020 को आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। तो अगली वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो वो है
आपकी लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट के लिए आपको की जो 5 वैकेंसीज हैं इनकी, और टेक्नीशियन ए और इक्विवेलेंट विथ 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, दैट इज 10th हो आपके पास मैट्रिक हो, हाई स्कूल किया हो आपने, अगर 10th मैट्रिक हाई स्कूल इक्विवेलेंट मतलब 10वीं पास अगर हो आप हो, या हाई स्कूल आपने किया हो, इक्विवेलेंट विद 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और विद सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग इन दी रिलेवेंट एरिया, या फिर ITI की हो आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ, तो आप लेबर अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो 12th पास हैं वो ट्रीट किए जाएंगे एज 2 ईयर एक्सपीरियंस, एंड BSc डिग्री वाले भी यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई फ्रेंड्स कर सकते हैं। और आखिरी जो वैकेंसी है वो स्वीपर की है, 2 स्वीपर चाहिए इनको, और सैलरी रहेगी 9,557। 30 दिसंबर को इनका इंटरव्यू होगा सुबह 10 बजे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये निकली है आपकी गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये जो वैकेंसीज थी आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर की हैं, आपने सबको बतानी है, वीडियो पूरा देखा करें। देखो कितनी ज़्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट की निकली हैं, वो भी वॉक इन इंटरव्यू। तो अगर आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं मिल रही है तो ये भी वीडियो देखा करें, ऐसा मत सोचो कि हर वीडियो हर गवर्नमेंट जॉब में एक टेस्ट ही होता है। तो आप लोगों को आज मैंने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज बताई हैं फ्रेंड्स, और लुधियाना में खासकर जलंधर की एक वैकेंसी थी, और लुधियाना में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और पीओन से लेकर के लैब अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, रिसर्च फेलोज, सबके लिए वैकेंसीज थी आज, ड्राइवर्स के लिए। तो आई विश काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा, आज काफ़ी वैकेंसीज आपके लिए आई हैं। तो मैं मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, जल्दी से आपकी जॉब लगे और खुशियां आपके घर में आए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई एडवाइस हो या कमेंट्स में एक थैंक्स जरूर लिख देना अगर हो सके तो, और अगर तो इतना टाइम अगर आपके पास हो तो। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे लिंक को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।